राजस्थान में एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। कश्मीर और हिमाचल में बन रहे नए वेदर सिस्टम के चलते राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। ये पश्चिमी विक्षोभ हालांकि ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन इसके असर से देश में कई इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि 2 नवंबर तक इस सिस्टम का असर हो रहेगा। इसके बाद 4 नवंबर को दोबारा से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ये काफी प्रभावशाली होगा। 4 नवंबर को उत्तरी भारत के जम्मू, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड एरिया में एक्टिव होने वाले इस सिस्टम से कहीं कहीं बारिश के साथ भारी बर्फबारी होगी। इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में भी देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़, गंगानगर सहित कई जिलों में 6 नवंबर को मौसम में बदलाव होगा। आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन राजपूत अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, राजस्थान में मौसम के करवट लेने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ पर हिमाचल में एक वेदर सिस्टम क्रिएट होने वाला है, जिसकी वजह से आशंका जताई जा रही है। क्या कुछ जानकारी है? जी सुनिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अलवर जिले के अंदर भी बीते दिनों की बात करें, मौसम विभाग ने जिस तरह अलर्ट जारी किया है, क्योंकि जिस तरह पहाड़ी इलाकों के अंदर जो वेदर सिस्टम नया बन रहा है, उसका कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में जैसे बर्फबारी या मौसम चेंज होता है, उसका असर अलवर जिले के अंदर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जिस तरह से सर्दी का एक और फिर से असर दिखाई देगा, क्योंकि इस तरह 4 नवम्बर से जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि जो पहाड़ी क्षेत्र के अंदर बर्फबारी होगी, उसका असर यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अलवर के अंदर भी मौसम चेंजिंग होगा। और कुछ जो नया वेदर सिस्टम हो रहा है, जैसे बात करें तो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, वहाँ बारिश का असर बताए गए हैं, वहीं अलवर के अंदर भी इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।